मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। वहीं अदालत ने ईडी की याचिका को निष्पादित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में ईडी की याचिका पर आज सुनवाई हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट 28 जून को उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाया है, हमको भी दिखाया कि मैं कितना बड़ा राज की संपत्ति को लेके घूम रहा हूं या फरार हो गया हूं, इसके लिए मुझे जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया और बहुत तरीके से सोरेन परिवार के ऊपर लांछन लगे और मेरे कीमती वक्त का भी इन लोगों ने जाया किया। न्यायालय सर्वोपरि है इस लोकतंत्र के, ये वो स्तंभ है जहां मैं समझता हूं कि अंधकार नहीं होता, लेकिन कुछ समूह ऐसे भी हैं जो न्यायालय के वक्तों को बर्बाद करते हैं और बेवजह जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, और जो समाज के गरीब आदिवासी दलित पिछड़ों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाजों को बंद करने का एन केन प्रकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आज पुनः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये बातें साबित होती हैं। भी लोग हैं जो लोग समाज को भी तोड़ते हैं, परिवार को भी तोड़ते हैं, और इन प्रकारें राज्य में, देश में, समाज में कैसे विमनुष्य फैले, इस पर अपना काम करते हैं। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि सत्य की जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि हेमंत जी के 5 महीने कौन वापस आए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।